आ जाओ भी दोस्तों, चलो आज चलने जाए घूमने के लिए। जैसे तुम लोग मेरे भतीजे हो ना सब, तो ये जो खड़े हो दोनों कहाँ गए? वो है, वो छुपा हुआ है पीछे। ये तुम्हारे भतीजे हैं। और आज देखो हम लोग क्या हो रहे हैं, आज प्यूमा हो रहे हैं, पूमा हो रहे हैं आज हम लोग। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग चैंपियन बॉयज हैं, लेकिन मूर्ख और मृतक जो होते हैं ना, वही केवल अपने विचारों को नहीं बदलते, इसलिए आज के लिए हम लोग पूमा बॉयज हो रहे हैं। चलो आ जाओ घूमने चलते हैं फिर। Those are my Puma boys. वैंकूवर शहर में गर्मियों की शुरुआत हो गई है और हमारे यहाँ गर्मियों की शुरुआत हुई थी 20 तारीख से। छोटी सी गर्मी है, 2.9 मंथ्स की। और आज गर्मी का जून में पहला संडे है मेरा, 26 तारीख है। तो चलो आ जाओ घुमाते हैं। एक फेस्टिवल है एक तरीके का, गर्मियाँ जो होती है हमारे यहाँ। आओ चलो घूमते हैं। What is that? आप लोग जो मेरे वीडियो देखते हो उसमें से शायद हर एक कोई अपने शहर से बहुत प्यार करता होगा, और वैसे ही मेरे साथ भी है। मैं भी अपने शहर को बहुत प्यार करता हूँ। और ये बंदा जो ड्रिंक पी रहा था गिटार हाथ में, यहाँ बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट आते हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और उसके बदले में लोग उससे खुश होते हैं, तो कुछ ना कुछ पैसे वगैरह जो है वो उसको डोनेट करते हैं। चलो घूमते हैं और दिखाते हैं अमेरिकन कल्चर कैसा होता है। और ये एक तरीके का साप्ताहिक बाज़ार है जहाँ पर सब्जियाँ, वाइन, किस्म किस्म के खाने, फल, कपड़े, हैंडीक्राफ्ट, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और लोग आते हैं घूमते हैं। मैं अपने गर्मियों के वीडियो की शुरुआत है वो यहीं से करता हूँ, घुमाने के लिए लेकर आता हूँ, हर साल घुमाता हूँ। जगह वही है, लोग नए, नज़ारे नए। देखो फिर आओ, अमेरिका में जब भी लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं और अगर वहाँ पर कुत्ता अलाउड है तो ज़रूर लेकर आते हैं। वो देखो स्ट्रोलर में बैठा हुआ कुत्ता, आपने बच्चों को देखा होगा बैठे हुए घूमते हुए स्ट्रोलर में, या कुत्ते घूमते हैं स्ट्रोलर में। हाँ, तो बच्चा होता है उनका, बेटा होता है एक तरीके से। तो और एक और बात बड़ी मज़ेदार कि चलो यहाँ आ गया हूँ, ये बताऊँ क्या है। यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन है, यहाँ पर एक गुलाब के फूलों का। और यहाँ पर अमेरिका में जगह जगह इस तरीके के लगे होते हैं, क्या बोलते हैं यार इसको मुझे पता नहीं, कोई जानता है तो उसका इसका नाम बताए। बहुत गर्मी हो रही है तो यहाँ से ठंडी ठंडी फुहारें निकल रही होती हैं पानी की, तो लोग जब जाते हैं तो अपना सर घुसा लेते हैं या खुद अपने आप को भिगा लेते हैं, तो ठंडी से थोड़ी गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाती है। और हमारे यहाँ वैंकूवर में अब धीरे धीरे करके एक तरीके से वैंकूवर जो है वो पोर्टलैंड की तर्ज पर जाने लग गया है। पोर्टलैंड को तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया है एक तरीके से, पोर्टलैंड शहर को, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो उनकी नीति हैं उसने। और यहाँ पर सोचो आपके, अरे वो जा रहे हैं, देखो तुम्हारी चाची जा रही है और वो जा रहे हैं तुम्हारे भैया एंड्रू ऑस्टिन। यहाँ पर पहले टॉयलेट होते थे परमानेंट, लेकिन जो होमलेस होते हैं, जो ड्रग पीने वाले होते हैं या ड्रग करने वाले होते हैं, उन्होंने पूरे सड़ा दिए थे टॉयलेट्स, तो उन्होंने पूरे टॉयलेट डिमोलिश कर दिए, उसकी जगह पर आप पोर्टेबल टॉयलेट जो होते हैं वो ला के लगा दिए। तो वैंकूवर जो है अब उसका धीरे धीरे करके जो माहौल है वो एक तरीके से ख़राब होता जा रहा है। और चलो यहाँ पर घूमते हैं। ये मेन रोड है एक डाउनटाउन की, या मुख्य शहर की एक मेन रोड है, जिसको सैटरडे और संडे के लिए सुबह 9 बजे से लेकर और शायद 3 बजे तक खुलती है, 3 बजे तक के लिए इसको बंद कर दिया जाता है रोड को। और यहाँ पर जो लोकल आर्टिस्ट हैं या लोकल जो लघु उद्योग करने वाले लोग हैं, जो व्यापारी हैं या जो बुनकर हैं या जो कोई भी अपने हाथ से कुछ चीज़ों को बनाते हैं, उन सारे लोगों के लिए मौका दिया जाता है कि वो यहाँ पर अपनी दुकानें लगाते हैं और लोग यहाँ पर आते हैं और ख़रीदते हैं। और सामान जो है वो महंगा मिलता है, क्योंकि जो हैंडीक्राफ्ट है वो तो आप जानते हो उसकी कीमत कितनी होती है, तो इसलिए महंगा मिलता है। और मैं हमेशा हर साल यहाँ आता हूँ और वीडियो बनाता हूँ, हर साल कम से कम एक वीडियो में बनाते ही बनाता हूँ। और यहाँ पर आप देखना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो, अरे हाँ ये देखो कुत्ता, देखो
चश्मा लगा के घूम रहा है पीछे। ऐसी बच्चे भी घूमते हैं यहाँ पर, लोग अपने बच्चों को इस तरीके से लेके जाते हैं, और ऐसी ये कुत्ता भी उनका बच्चा है जो चश्मा लगा रखा भाई ने, बिल्कुल आराम से बैठा हुआ देख रहा सब। गर्मी हो रही है बहुत। आमतौर से तो ऐसा होता कि मैं अपने वीडियोज में कोई ना कोई म्यूजिक डालता हूँ, लेकिन आज नहीं डाल रहा हूँ म्यूजिक मैं, इसलिए कि ताकि आप जो आसपास का माहौल है उसकी आवाज़ें, वो रियल फीलिंग क्या होती है जब आप अमेरिका के किसी मोहल्ले के या किसी साप्ताहिक बाजार में घूम रहे होते हो तो किस तरह की फीलिंग होती है, क्या अनुभूति होती है इसकी वजह से। और वो देखो सामने वो एक और वो लगा हुआ है, वही फवारा पानी का, गर्मी से निजात दिलाने का एक ही तरीका है यहाँ अमेरिका में, जहाँ बहुत सारी पब्लिक आती है, लोग आते हैं तो वहाँ इस तरीके के फवारे लगा देते हैं, जिससे लोग मतलब काफ़ी समय के लिए आपको राहत मिल जाती है, आप उसमें भिगा लेते हो अपने आप को। तो चलो आओ फिर घूमते हैं, और वीडियो में कुछ खास नहीं है लेकिन घूमना है, देखना लोगों को, उनके पहनावे को, उनके कल्चर को, उनके स्ट्रोलर्स को, उनके कुत्तों को और उन लोगों को। चलो आ जाओ घूमते हैं फिर। अभी आपने देखा था कि वो एक कुत्ता भौंकने लग गया दूसरे कुत्ते को। अमेरिका में पब्लिक प्लेस में अगर कोई कुत्ता भौंकता है तो वो अपने माता पिता के लिए बहुत ही अपमान का कारण होता है, और बहुत ही मतलब उसको जलील होना पड़ता है, इसलिए वो जल्दी से अपने कुत्ते को निकल गई वो जिसका भी कुत्ता था वो। यहाँ पर तमीज़ से बात करो, अगर आप कुत्ते हो और दूसरा कुत्ते के पास में जा रहे हो तो बहुत तमीज़ से तहजीब से उससे बात करनी होती है। अगर भौंक दिया तो मतलब माँ बाप की मट्टी पली थी, उनकी बेइज्जती होनी होनी है, ये पक्की बात होती है यहाँ पर। और जैसे भारत में बहुत सारी जगहों पर मंगल बाज़ार, बुद्ध बाज़ार, हमारे बरेली में पटरी पे फड़ लगते हैं इस तरीके का, ये एक उसी तरीके का बाज़ार है जहाँ पर आपको विभिन्न किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं। और इसका चलन जो है पूरे अमेरिका में हर जगह पर इसका चलन है, और हर एक शहर में इस तरीके के साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं और लोग आते हैं वहाँ पर सामान खरीदते हैं, और विशेष करके जो है ये बाजार गर्मियों में ही लगते हैं हमारे शहर में वैंकूवर में। वो देखो बंदा गाने गा रहा है अभी नहीं, और इसको टाइम है एक सर्टेन, उतने समय तक ये गा सकता है, जब इसकी बारी ख़त्म हो जाएगी फिर दूसरा बंदा आएगा, घंटे के साथ टाइम होता है, अभी तुम दो घंटे गा सकते हो, तुम दो घंटे गा सकते हो, अभी देखने से ख़त्म हो जाएगा फिर दूसरा आएगा। एक देना बस बनी देना। Light the sacrificial rite. I saw Satan laughing with delight the day the music died. Bye bye, Miss American Pie. He drove a Chevy to the levee, but the levee was dry. Good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Your home made it. एंड्रू उसका गाना सुनकर बहुत मस्त हो गया, कहना ना बहुत अच्छा गाना गाया उसने, खुद बनाया उसने अपने गाने। तो मैंने क्या करूँ फिर, बोला मुझे उससे बात करनी है, मैंने कहा जा चल जाके बात कर लो उससे। भाई साहब ने उससे अकाउंट पूछा है कि यूट्यूब पर उसका चैनल कौन सा है और क्या है, तो देखना अभी। और जैसे अपने यहाँ गर्मियों में फलों की बहार होती है ना, सब जगह वही हिसाब है यार, यहाँ पर देखो सब फल मिल रहे हैं, मज़ा होता है गर्मियों में फलों का। बच्चे जा रहे थे कुछ छोटी सी गाड़ी में बैठ के, बहुत सारे लोग इस गाड़ी में अपने कुत्तों को घुमाते हैं। और वो सामने जो नीले रंग का सांप खड़ा हुआ फुंकार रहा है, वो तो अब आपको पता ही लग गया होगा अगर आपने मेरे वीडियो यहाँ तक देखा है, कि पानी का फव्वारा है, गर्मी से निजात पाते हैं लोग उसमें भीग कर। देखो वो लड़का जो पहले गा रहा था ना वो चला गया, अब दूसरे भाई साहब की टर्न है, बारी लगती सबकी। My band was called the Porpoise. I'm like trying to think about how to spell it. Yep, there I am.
So yeah, this was me in high school. So yeah, I have some music on there if you want to listen to some of it. And yeah, have a great day, you guys. मैंने अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए यहाँ टेरियाकी हाउस से खाना लिया. तुम्हारी कसम बता रहा हूँ, $28 का खाना था. थूक का स्वाद नहीं बिल्कुल भी. किसी को हो सकता अच्छा लगता हो. मैं तो $28 देके और टेरियाकी चिकन और राइस और नूडल खा के यार बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ. तो फिर ऑस्टिन ने मुझसे कहा नाना चलो मैं आपको येरो हाउस पे ले चलता हूँ. और ये जो एक प्रकार की रोटी होती है उसके ऊपर एक चटनियाँ लगाते हैं लोग किसी किस्म किस्म की. और चिकन लैम्ब या बीफ जिसका भी आपको येरो बनवाना है उसका आप बनवा सकते हो. और अगर आप इंडियन हो तो आप उससे कहना कि भाई या पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो उससे कहना ज़रा स्पाइसी बना दे मेरे लिए. फिर खाओगे तो आपको शायद कुछ ऐसा टेस्ट आएगा जैसे आपने अपने यहाँ का खाना खाया हो. मज़ा आएगा. मेरे को तो कम से कम अच्छा लगा. आज का मेरा ये वीडियो हो गया डन और मेरे जाने का टाइम हो गया. और जाने से पहले मेरा YouTube का फैमिली जानता है कि मैं क्या कहता हूँ. जाने से पहले वही बात मेरे यार शबा खैर बाय गाइस. फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में. I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kind of nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure all I know. $10 bill. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. And that summer after.